नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हाजिर है चौपाल चर्चा के एक नए अंक के साथ, नए विषय के साथ और किसानों के साथ जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ भी रहेंगे। तो आज का विषय क्या है ये सबसे पहले आपको बता दें, आगे हम बढ़ें, हम किसानों के सवाल लें, इस पर चर्चा करें, उससे पहले विषय जान लें। आज हम बात करेंगे कस्टम हायरिंग के बारे में। जी हाँ, हमारा देश स्वावलंबन की ओर बढ़े, हमारे किसान स्वावलंबन की ओर बढ़ें, इसके लिए कस्टम हायरिंग महत्वपूर्ण कदम है। हमारे जो युवा किसान हैं जो कि नौकरी की खोज में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोकने का भी एक तरीका है। गांव के स्तर पर ही हमारे जो पढ़े लिखे किसान हैं, युवा किसान हैं, वो कस्टम हायरिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं, अपनी खेती से भी जुड़े रहेंगे और साथ ही जो अन्य किसान हैं उनकी भी मदद होगी। तो कस्टम हायरिंग क्या है, सरकार किस तरीके से इसे और प्रबल तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है या फिर किसानों तक पहुँचाया जाए, किसान इसका इस्तेमाल कर सके, खेती में नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो, जो साइंटिफिक तरीके की खेती हम कहते हैं वो संभव हो पाए, कस्टम हायरिंग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और साथ ही जो लागत है किसानों की और जो परिश्रम है, समय है, इस सब की भी बचत होती है। तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, देखते हैं ये रिपोर्ट। कस्टम हायरिंग केंद्र बनाकर कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र योजना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत शुरू की गई है। योजना के माध्यम से लघु व सीमांत किसान कृषि यंत्रों का आवश्यकता अनुसार लाभ उठा सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र से किसान कम किराए पर कृषि यंत्र व उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र पर स्थानीय मांग के खेत जुताई, बिजाई, पौध संरक्षण, फसल कटाई आदि कृषि यंत्र रखने होंगे। कस्टम हायरिंग योजना सभी राज्य में कृषि अभियांत्रिकी को बढ़ावा देने में उपयोगी रहेगी। कस्टम हायरिंग योजना किसानों के लिए लाभकारी है। कस्टम हायरिंग योजना का उद्देश्य खेती उपकरण, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र किराए पर उपलब्ध कराना है। देश भर के जिलों में चिन्हित स्थान पर सामूहिक आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कस्टम हायरिंग केंद्र की न्यूनतम क्षमता 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन तैयार करने की होना आवश्यक है। कस्टम हायरिंग केंद्र फसल अवधि में 200 हेक्टेयर भूमि तैयार करने की क्षमता का होना आवश्यक है। पुराने स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र परियोजना में पुनः आवेदन के पात्र होंगे। कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए किसान समूह और ट्रैक्टर या कंबाइन हार्वेस्टर वाले किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना के लिए अधिकतम 75 लाख रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर परियोजना में लागत का न्यूनतम 35% मूल्य के यंत्र इंसिटू फसल अवशेष प्रबंधन के होना आवश्यक है। कस्टम हायरिंग केंद्र में रोटावेटर, रिवर्सिबल फ्लो, डिस्क हैरो, जीरो टिल सीड ड्रिल, रिस्फेरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रिपर कम बाइंडर, रेज बेड प्लांटर, लेजर लैंड लेवलर कृषि मशीनें किराए पर उपलब्ध कराएंगे। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जोगिंदर सिंह यादव जी हैं जो कि वरिष्ठ संयोजक हैं बावल कृषि विज्ञान केंद्र से, हमारे साथ यहां पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोगिंदर जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं जो कि रेवाड़ी झाबुआ के किसान हैं, वो भी कार्यक्रम में शामिल हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोगिंदर जी। सबसे पहले कस्टम हायरिंग जो कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है और हमने देखा कि बजट में भी इसका जिक्र था, क्या है ये और कैसे समझे इसे? भारत सरकार और राज्य सरकारें कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, उसी कड़ी में ये कस्टम हायरिंग सेंटर की जो योजना है वो भी लागू की गई है, चलाई जा रही है। इसमें जैसा कि आपने बताया कि आजकल खेती में मशीनों का और कृषि यंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, ज़रूरत भी है, उसी लिए कुछ यंत्र बड़े महंगे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि हमारे किसान छोटे भी हैं, मार्जिनल भी है, मध्यम है, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो उनको खरीद सकें, या किराए पे लेंगे अगर कोई व्यक्तिगत अपनी खरीद के लाया है तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, उसके जो किराया कह सकते हैं हम वो ज़्यादा लेते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये योजना है कि कुछ किसानों का ग्रुप मिला के या एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव बना करके और वो ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो
उनको ज़रूरत है मशीनें जो महंगी है या औजार है उनको वो ख़रीद सकें और उनको आगे फिर किराए पे चला सकें, क्योंकि सरकार इसमें विशेष छूट भी देती है। इसमें 75 लाख रुपए तक की लागत की मशीनें वो ख़रीद सकते हैं, जिसमें कम से कम 35 ऐसे लेकर के 40% तक की सब्सिडी भी मिलती है। इसलिए अगर ऐसे सेंटर होंगे तो वो एक तो सस्टेनेबल होंगे, कोई भी मिल करके किसान उसको चला लेंगे जिसमें, और फिर आगे किराए पर चलाएंगे तो थोड़ा सा कम चार्ज भी कर सकते हैं वो, ये उसमें प्रावधान रहेगा। जो इंडिविजुअल लेके आएगा किसान वो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे, तो ये सभी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कई मशीनें है, जैसे किसी से भी हम शुरू करें, अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं जैसे गाजर की बात करें तो गाजर की बिजाई की मशीन है, गाजर की धुलाई के लिए मशीन है। अकेले किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी चीज़ें, सभी मशीनें खरीदना, तो ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं ये इस दिशा में बहुत ही लाभकारी रहेंगे किसानों के लिए। ये योजना बहुत ही आगे बढ़ेगी, किसान इसमें रुचि दिखाएंगे, जो सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल, यानी जोगिंदर जी एक तरीके से हम कहें तो ये किसानों द्वारा और किसानों के लिए ये एक कोशिश है, यानी किसान जो हैं, जो हमारे पढ़े लिखे थोड़े जो युवा किसान हैं वो इस तरह के सेंटर से जुड़ सकते हैं, इन्हें स्थापित कर सकते हैं, और सरकार की तरफ से इनको लेकर मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा अनुदान भी दिया जा रहा है। अगर कोई किसान खुद ही ऐसे संगठन बनाकर या फिर इकट्ठे हो करके ऐसा कोई सेंटर खोलना चाहते हैं तो सरकार उसको अच्छा अनुदान भी देती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी 75 लाख तक का भी जो है अगर इसमें खर्चा आता है तो उसका 35-40% तक सब्सिडी है, तो काफ़ी मदद मिल जाती है। इसमें काफ़ी युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, कुछ इसमें ड्राइविंग का काम करेंगे, कुछ इसमें इसके रखरखाव पे काम करेंगे, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। और इससे जो मशीनरी के अभाव में जो फसलें या जो हम किसान भाई नहीं लगा सकते थे उनको भी जो उनका क्षेत्र बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और लाभकारी बनेगी वो कृषि की क्रियाएं। जोगिंदर जी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कस्टम हायरिंग से लेकर कर सकते हैं या फिर जो इसे इस सेंटर को स्थापित करना चाहते हैं, जिनके मशीनों की डिमांड भी ज़्यादा रहती है, जो कि शामिल कर सकते हैं अपने सेंटर में। क्षेत्र कैसे है, वहाँ की फसलें क्या है, उसको देखते हुए मशीनों का चुनाव किया गया है। अब जैसे हम धान की बात करें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM एक स्कीम है, क्योंकि पराली जलाने की जो बड़ी समस्या हो रही है और पराली मैनेजमेंट के लिए ही जो जो मशीनें ज़रूरी है वो सब का प्रावधान उसमें किया गया है। जैसे हैप्पी सीडर है, रोटरी प्ले, रिपर बाइंडर, स्ट्रा बेलर, हे रैक, मल्चर, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा श्रेडर, रिवर्सिबल प्लो, जीरो ड्रिल कंबाइन वगैरह, ये मशीनें हैं जिससे वो उसकी मैनेजमेंट की जो प्रणाली की है वो समस्या ख़त्म हो जाएगी और वो वापस भूमि में जाएगी तो उससे उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। तो क्योंकि ये मशीनें थोड़ी महंगी आती है, अगर एक कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो खरीदी जा सकेगी और किसानों को उपलब्ध रहेंगी, ये बहुत ही बढ़िया प्रावधान है। जी तो अलग अलग मशीनों के बारे में अभी हमने जाना और किसानों से बात कर लेते हैं, उनके क्या सवाल हैं। कितने फार्मर इसको कर सकते हैं जी, ग्रुप बना के कितने फार्मर कर सकते हैं जी इसको। तुम्हारे किसान का सवाल था कि अगर वो ऐसे सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो कितने किसान मिलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कम से कम की शर्त होती है, ज़्यादा किसान तो जुड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो 7-8 से लेकर के 10-11 किसान इसमें शामिल होकर के एक ग्रुप बनाए और उसमें इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, और ज़्यादा किसान तो जुड़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारे किसान मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं और ऐसे सेंटर खोल सकते हैं, सरकार की तरफ से अच्छा खासा अनुदान भी है और अपने गांव के स्तर पर जहां उन्हें रोज़गार मिलेगा वहीं अन्य किसानों की मदद भी होगी और यही मकसद भी है कस्टम हायरिंग का। इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, किसानों के कुछ और भी सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। बीमारियों
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं कस्टम हायरिंग के बारे में, जो कि हमारे छोटे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके क्या क्या लाभ हैं और कैसे गांव के स्तर पर ही एक तरीके से रोज़गार पैदा करने का भी तरीका है, किसान अपनी खेती से जुड़े रहें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, उनकी आय में वृद्धि हो, इसमें कस्टम हायरिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जोगिंदर जी, आप ये बताइए कि जैसे हमने अभी ब्रेक से पहले पराली की समस्या के बारे में भी चर्चा की, क्योंकि कुछ ऐसे यंत्र हैं जो कि इस समस्या के एक समाधान के तौर पर हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हम देख रहे हैं जहां पर विशेष तौर पर पराली की समस्या ना रहे, इसीलिए सरकार इन यंत्रों पर 80% तक का अनुदान दे रही है। तो क्षेत्र के अनुसार भी क्या यह अनुदान है, और या फिर जो आप जिस क्षेत्र से आते हैं हरियाणा से, वहाँ के लिए भी कुछ बताना चाहेंगे? ये जो प्रावधान होते हैं सरकार की तरफ से, ये क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। जहाँ जितनी गंभीर समस्या होती है उसके निदान के लिए ही ये स्कीमें चलाई जाती है। तो पराली जो जलाना वो एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की, जिससे NCR रीजन और हमारा कैपिटल रीजन भी प्रभावित होता है। तो इससे बहुत ही चिंतित थे और किसान इसमें रुचि नहीं ले रहे थे, ले भी नहीं रहे थे, उनके लिए समस्या भी थी कि उसका प्रबंध कैसे करें, इतनी ज़्यादा पराली होती है वो। इसीलिए इसमें विशेष छूट दी गई है, जो आप 70-80% की बात कर रहे हैं वो इन्हीं मशीनों पे इसलिए भी है कि ये ज़्यादा समस्या जितनी गंभीर है और किसान जितनी कम दिलचस्पी लेते हैं उतनी ही ज़्यादा सब्सिडी का प्रावधान सरकार को करना पड़ता है। तो क्षेत्र के अनुसार है, जहाँ धान है ही नहीं तो वहाँ इन मशीनों की भी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ये लागू नहीं है। इसको ज़िलेवार बनाया गया है तकरीबन कस्टम हायरिंग सेंटर को, जहाँ धान की है, धान ज़्यादा बोई जाती है तो वहाँ धान की पराली प्रबंध के लिए स्कीम दी गई है। जहाँ सब्जी का एरिया है वहाँ सब्जी पे जो मशीनरी उपयोग होती है वहाँ उनके लिए छूट है। तिलन एरिया बढ़ाना है तो वो उसके लिए जो मशीनें हैं, तो सरकार की तरफ से इसमें ये इस तरह स्कीम बनती है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार लोकरा। डॉक्टर साहब, ये जो आप 35% और 40% सब्सिडी बता रहे हो इस पर मशीनों पर, तो ये सब्सिडी दे दी और जो बच गए 60%, तो उस पर भी कुछ सरकार लोन लान दे सकती है? बहुत अच्छा सवाल है ये कि जो सब्सिडी तो मिल जाती है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी राशि की ज़रूरत होती है, जो कि किसानों के लिए संभव नहीं होती जुटा पाना। तो क्या उसके लिए लोन की कोई व्यवस्था है, और अगर है तो क्या उसमें भी इंटरेस्ट में किसी तरीके की छूट है? इसमें जो सरकार की तरफ से सब्सिडी है उसके अलावा कुछ परसेंट किसान का जो ग्रुप है, जो सदस्य है उसके, उनका हिस्सा होगा, और अगर ज़रूरत की अगर लोन की ज़रूरत है तो वो बैंक से उसका प्रावधान भी है, उसको बैंक का लोन मिलेगा। आप डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है कि जो हम सेंटर स्थापित करने की बात कर रहे हैं और किसान जो सबसे ज़्यादा घबराता है वो है जो ये कागज़ी दांव पेच होते हैं, जो कागज़ लगा, तो उसके लिए कौन कैसे किसान पात्र हैं और उसके लिए कौन कौन से औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं उन्हें? ये रिक्वायरमेंट है कि ये किसान जो केंद्र बनाएंगे ये दूसरे किसानों के लिए किराए पे मशीनें उपलब्ध रहेगी, और तकरीबन एक सेंटर के अंतर्गत ये है कि वो कम से कम 500 एकड़ ज़मीन के जो किसान हैं उनकी सेवा, उनको सेवाएं देंगे और बहुत ही वाजिब दामों पे देंगे, ये इसमें व्यवस्था है। लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा जी? इसमें हर ज़िले में एक सहायक अभियंता होते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग के साथ अटैच है, आप वहाँ पे जाएं, वो आपको इस स्कीम का डिटेल में सब कुछ बताएंगे और कौन कौन से बैंक उस पर फाइनेंस कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये थोड़ा बैंक में भी डिफर करता है, और तो वहाँ से आपको पूरी इसकी जानकारी मिल सकती है। तो भी हमने किसानों के सवाल भी लिए और किसानों की काफ़ी रुचि भी इसमें देखने को मिल रही है, और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि हमारे किसान नई चीज़ों को अपनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो जो घिसे पीटे तरीके हैं उन्हीं में नहीं फंस कर रहना चाहता है, और आज का किसान काफ़ी स्वावलंबी है, वो नई चीज़ों को आज़माना चाहता है, और ये बात इन सवालों में भी हमने महसूस की है, सवालों में भी ये बात झलक कर सामने आई है। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा जारी रहेगा, आज हम बात करें कस्टम हायरिंग पर, छोटा सा ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए
गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चौपाल चर्चा में। बात करें कस्टम हायरिंग पर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जोगिंदर जी हमारे साथ हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं आज के हमारे कार्यक्रम में। पुराने जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स थे, जैसा कि बताया कि आपने कि भाई काफ़ी दिनों से जो उनकी मशीनें थी वो पुरानी हो गई है और मेंटेनेंस करने के बाद वो बहुत महंगा पड़ रहा है या वो उसके बाद भी नहीं उपयोग में लाई जा सकती, तो ऐसे केंद्र दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल है, उनको भी दोबारा से जो ग्रांट है, सब्सिडी है या मान्यता कहेंगे इस स्कीम के अंतर्गत, उनको भी मिलती है। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल था कि जो किसान भाई कुछ हायरिंग सेंटर से जो मशीनें लेना चाहते हैं, क्या उनको भी कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी या उनको सीधा जाकर मशीनें यूज़ कर सकते हैं और उनका किराया जमा करा सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि जो हायरिंग सेंटर पर जो मशीनें आएंगी, उन पर अनुदान के लिए सीधा वो किसी से मिलें या उनको भी कुछ कागजात लगाने पड़ेंगे? ये दो सवाल हैं। एक तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए, वो मैंने जैसा कि अभी बताया, सहायक कृषि अभियंता हर ज़िले में है, विभाग है जो इसी से संबंधित है। जो भी कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर जो भी स्कीम आती है इस विभाग के माध्यम से आती है, तो वहाँ जाके आप पूरा विवरण ले सकते हैं। और इसमें सेंटर्स में जो सब्सिडी है वो मशीन के अनुसार भी हो सकती है और केंद्र के अनुसार भी होती है, एक मैक्सिमम लिमिट उसमें होती है। और दूसरा सवाल था आपका, जो किसान इन केंद्रों से जो वो अपना काम लेना चाहते हैं, किराए पे कोई मशीनरी लेना चाहते हैं, उसका प्रबंधन, तो सीधी बात है, किसान को उस कस्टम हायरिंग सेंटर के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसको चला रहे हैं, मैनेजर है, उनसे संपर्क करके और वहाँ पे रिक्वेस्ट करके और वो लेना पड़ता है। और जिसमें क्योंकि अगर मांग ज़्यादा है तो उसमें किसको पहले देना है, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा, तो सभी को देने का प्रावधान है। और रेट भी इसमें वाजिब लेने पड़ेंगे, ये नहीं है जो व्यक्तिगत जो किसान है जो अपने खर्चे से लेकर आया बिना सब्सिडी के लाया है वो जो मन चाहे रेट ले सकता है, क्योंकि उसको अधिकार है। लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर में ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सरकार का पैसा भी लगा है, तो एक वो वाजिब रेट जो है वो होंगे। सारा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा आपने कस्टम हायरिंग सेंटर वालों को कि भाई हमने कितने किसानों को सेवा दी है, कितने एकड़ ज़मीन को हमने ये किया है, तो ये सारा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपको पता होगा कि गांव में महिलाएं पुरुषों का बराबर सपोर्ट करती हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे पशुपालन हो या अन्य कोई आउटसाइड वर्क हो, तो क्या महिलाएं कस्टम, ये जो आपका कस्टम हायरिंग कंसेप्ट है, ये जो केंद्र है, इसकी क्या वो मेंबर बन सकती है या वो जुड़ के वहाँ का लाभ उठा सकती है या नहीं उठा सकती, इसके लिए कुछ है तो बताइए। ये सच है कि कृषि में महिला किसानों का भी पूरा योगदान है, वो हर कार्य में, कृषि कार्य में पुरुषों से कंधा मिला के काम करती हैं। और इस जो केंद्र की बात हो रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात हो रही है, उसमें महिला और पुरुष बराबर हैं, बल्कि कई जगह तो महिलाओं को प्रायोरिटी मिलती है, तो महिलाएं भी अपना केंद्र स्थापित कर सकती हैं, उसकी मेंबर बन सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको पूरा अधिकार है, चाहे वो सभी महिलाएं हो उसमें, चाहे कुछ महिला कुछ पुरुष हो, इसमें कोई भी जेंडर का वो फर्क नहीं है, सबको बराबर मान्यता है इसमें। जोगिंदर जी, जैसा कि आपने बताया था कि क्षेत्र के हिसाब से भी जो मशीनें होती हैं वो सेंटर पर होती हैं, तो आमतौर पर किस तरह की मशीनों की ज़्यादा मांग रहती है? जैसे सरसों की हम बात करें, तिलन की बात करें, तो उसमें ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अभी जो लेबर की शॉर्टेज है, जो किसान जो खेती में जो लेबर है, मजदूर है, वो कम मिल रहे हैं और किसान भी जो है
उनको ज़रूरत पड़ती है लेबर की, अपने आप इतना नहीं कर पाते हैं कई बार। तो अगर कोई मशीन कटाई में और कढ़ाई में अगर कोई कामयाब है, कंबाइन हार्वेस्टर की तरह जैसे गेहूं में और सरसों उस इलाके में, तो उन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है सरसों में, और दूसरी ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत इसमें सरसों में तो नहीं है फिलहाल। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो किसान खोलना चाहते हैं या फिर ऐसे संगठन बनाकर ग्रुप बना करके इस तरह के सेंटर खोलना चाहते हैं, उनके क्या मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन भी है कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर उनको अपनी तरफ से इतनी राशि तो देनी ही पड़ेगी? जैसा मैंने बताया ना अभी, किसी सब्सिडी है, उसके अलावा कुछ हिस्सा किसान के जो ग्रुप है, जो हर मेंबर है जो, वो उनको देना पड़ेगा, बाकी उसमें लोन की व्यवस्था है। तो बाकी क्वालिफिकेशन की इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं रिक्वायरमेंट। अब हमने तो एक धारा को लोगों ने ग्रुप भी बना रहा उसे, और बना लेंगे जी। अब आलू की बिजाई के लिए एक मशीन ले आएंगा तो हमने एक बारह में आप ही समझिए कैसे कुछ करना जी, आलू बिजाई के लिए मशीन ले आनी है। देखिए इसमें अभी बार बार बात हो रही है कि एक तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है उसमें तो ग्रुप बनता है, और एक इंडिविजुअल की भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है व्यक्तिगत किसान की। तो दोनों तरह की स्कीम डिपार्टमेंट के पास होती है, और सहायक कृषि अभियंता के दफ्तर में आप जाके संपर्क करेंगे। और बहुत कुछ समय के साथ बदलाव हुआ है, अब इतनी समस्या नहीं है पेपर वर्क की और ज़्यादा भाग दौड़ की, अब पारदर्शिता है काफ़ी हद तक, और ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन हो रही है ज़्यादातर जगह, उसी में आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो दिए हैं अगर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, तो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल अब दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, अब सब जागरूक है, सब आपको जवाबदेही होती है, कोई भी लटकाता नहीं है, और जल्दी से जल्दी समाधान होता है। दूसरी मैंने बताया ना कि एक तो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए है, और व्यक्तिगत भी स्कीम है, सब्सिडी दोनों पे अलग अलग तरह की है। तो वो आप सहायक कृषि अभियंता जो रेवाड़ी के अंदर ऑफिस है वहाँ जाके मिल सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का जवाब समाधान वहाँ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा, जिसमें हमने आज बात की कस्टम हायरिंग के बारे में, जो कि आज के समय की मांग भी है, क्योंकि किसान चाहता है कि कम समय में, कम लागत में और कम परिश्रम में ज़्यादा उसे फसल मिले और सही समय पर मिले, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर अगर उसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसे भाव भी अच्छे मिलते हैं, और अगली फसल के लिए भी उसे समय मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। और कोशिश भी यही है कि जितनी भूमि है उसका अधिक से अधिक वो इस्तेमाल कर सके, ऐसे में कस्टम हायरिंग उनके लिए एक वरदान है। हमारे किसान यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने अपने सवाल रखे और बहुत ही अच्छे सवाल थे, और हमारे जोगिंदर साहब जो हमारे आज के मेहमान थे, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उन सवालों के जवाब बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से देने की कोशिश की, ताकि हमारे किसान उन्हें समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जोगिंदर जी, और हमारे किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।